सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के नरियाणा सडियाणा गांव में मनरेगा का कार्य चल रहा था। ये कार्य लोक निर्माण के सौजन्य से करवाया जा रहा था, लेकिन मनरेगा में कार्य कर रही महिलाओं पर अचानक पहाड़ी तरक गई, जिसमें 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें एक महिला को गंभीर चोट लगने के कारण टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए वे लोग या महिलाएं जिनकी आय का कोई साधन नहीं है, जो मनरेगा में काम कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। वहीं रंजन दास ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जो लोग पहाड़ी दरकने से घायल हुए हैं, उनकी मनरेगा में हाजिरी लगती रहनी चाहिए। रंजन दास ने कहा कि जब तक ये लोग ठीक नहीं हो जाते या उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो जाती, तब तक सरकार को इन लोगों की मदद करनी चाहिए। ये जो कल हादसा हुआ बस्सी झनेरा पंचायत के नडियाना शडियाना गांव में, मनरेगा मजदूर जो पीडब्ल्यूडी के मस्टरोल पे काम कर रहे हैं या पंचायत के मस्टरोल पे काम कर रहे हैं, इनमें से 4 मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। अचानक पहाड़ दरका है, जिसमें से ये हमारे पास पूरा रिकॉर्ड हमने लिया, गांव में हमने हर मजदूर को विजिट किया। ये सरिता वाइफ ऑफ सुरेश हैं, कमलेश वाइफ ऑफ अमर सिंह हैं, आशा वाइफ ऑफ अमरजीत हैं, कल्पना वाइफ ऑफ कुलदीप हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग मनरेगा में इसलिए काम कर रहे हैं कि घर में लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन से पहले भी घरों की हालत ठीक नहीं, आर्थिक हालत बहुत बुरी है। और जो परिवार जिनको पीजीआई रेफर किया टांडा के बाद, उनके तो पति पिछले लगभग 2 साल से काम ही नहीं कर पाए कोई, तो उनको तो पैसे पैसे के लिए मुहताज होना पड़ रहा है। प्रशासन के पास इस चीज़ की कोई जानकारी अब तक नहीं थी। वीडियो हमीरपुर को बताया गया, जो मजदूर काम पे हैं उनका अगर एक्सीडेंट हो गया तो जो कानून में प्रोविजन है कि इनका जो रेस्ट ऑफ द पीरियड है उसका अटेंडेंस इनको मिलनी चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि काम में आए मजदूर की चोट लगने से घर में वो बैठ गया, तो जब तक उसको आर्थिक हालत ठीक नहीं हो जाती, तब तक सरकार को चाहिए कि उसको में एक्ट में भी प्रोविजन करे, और कोई जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनकी एकदम से हालत को देखते हुए उनको फौरी राहत के रूप में कुछ दे। और जो मेडिकल का जहाँ तक है कि सारे का सारा मेडिकल क्लेम इनका वापिस होना चाहिए। तो ये हमारा मानना है CI2 की तरफ से, हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन की तरफ से, और कि मजदूरों के लिए सरकार काम करे, मजदूरों को हताशा के माहौल में ना ठहरने दे, और इमीडिएटली रिपोर्ट होनी चाहिए हर चीज़ की आगे। अब 24 घंटे तक कहीं रिपोर्ट ही नहीं है, तो ये हम मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि मजदूरों की हालत पर ध्यान दिया जाए। मजदूर है जिंदा अगर तो अब ये काम सड़कें बन पाएंगी, अगर हमारा मजदूर ही मर जाएगा तो किसके लिए सारा हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। वही मनरेगा में कार्य कर रही सरिता देवी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पहाड़ी दरकने से घायल हुई महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसके चलते टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। महिला गरीबी के चलते मनरेगा में कार्य कर रही है और अपने परिवार का पालन पोषण कर गुजर बसर कर रही है, लेकिन हादसे में घायल होने पर सरकार को महिला की मदद करनी चाहिए। हम काल मतलब मनरेगा में रोज काम के लिए आते हैं, तो कल भी हम अपने समय पर पहुंच कर काम लगे हुए थे, तो अचानक ऊपर से मतलब काम करते करते ऊपर से पहाड़ी आई एक नहीं, और 4 मजदूरों को जो वो चोटें लग गई हैं, और 3 को तो मतलब इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह देके घर भेज दिया, और एक को जो वो बड़ी गंभीर चोटें आई हैं सर, उनको टांडा रेफर कर दिया है। गुजारिश करते हैं कि उनको फौरी राहत जो वो मतलब देना जो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले से दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और दिहाड़ी मजदूरी वाले उनके घर वाले हैं। हाँ जी, गरीब आदमी सर, तो हमें गुजारिश करते हैं कि उनको फौरी राहत जो है वो तुरंत दी जाए सर। उनके मतलब अभी तक कोई फौरी राहत मतलब कुछ भी नहीं मिला है सर।